आप देख रहे हैं। सीपीएस एवं दोन विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौधरी रामकुमार ने आज दाड़वा, कृष्णगढ़ और जाडला पंचायत में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही जिन लोगों के घरों को वर्षा के कारण नुकसान हुआ है उन परिवारों को आपदा राहत राशि के चेक भी वितरित किए। चौधरी रामकुमार ने जाडला पंचायत के च्याली में निरंतर धस रही जमीन का भी जायजा लिया और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उचित प्रबंध किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस जमीन को धसने से रोका जा सके। इस दौरान उनके साथ एसडीएम कसौली, नायब तहसीलदार कृष्णगढ़ उप तहसील सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रस्तुत है आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की विशेष रिपोर्ट। ग्राम पंचायत दाड़वा के प्रधान जी साथ में चलो आपका नुकसान हुआ पूरी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, अंतिम तौर पर मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, ठीक है। क्या नाम है? दो मंजिले तो नीचे से ये डिग्गी हवा में, तीसरी नीचे पुराने घर, पांच छह कमरे। चारों साइड पूरे पहली साइड अंदर को जरिए, निचला मकान तो और भी ज़्यादा बैठ गया। हाँ,
कि कल कम था देखो आज ज्यादा हो गया, आज ज्यादा हो गया। कल मैंने फोटो की थी, बैठो चल दसरी है आस्ता, देखो आस्ता आस्ता जा रही है। दिस इज गॉन है खाली कर दिया इन्होंने, खाली कल जिन जिनकी जमीन खरीदी हम लेंगे पाँच दिनों से नीचे से शुरू करना, नीचे भी लाएंगे सारा दस के नीचे झील बड़ी माने तो ऐसी बस्ती है तो कई मैं लोगों को बोल के आया हूँ, अपना कार्ड दे के आया, नंबर दे के आया हूँ, आपको कोई नजर आए गैर आदमी उसको अंदर मत आने देना। अब कल देखते हैं फायर ब्रिगेड को बोलते हैं वो निकालते हैं ऐसे एमरजेंसी में ना सामान थोड़ा सा, उनके लिए भी आप रिकमेंड कर दीजिए कि जो भी हेल्प हो उनको। लेकिन पार्सल जो हमारा मैनुअल है वो भी सीएम साहब ने उसको रिवाइज किया है। पहले जो मकान डैमेज वाला था उसका बहुत कम रिलीफ था, है ना, 40-50 हज़ार के बनते थे, अब उसको रिवाइज किया है। अब इसमें मैं अपनी तरफ से भी आपको सभी को जो है वो 10-10 हज़ार पे मैं अपनी तरफ से चेक भेजूँगा, ठीक है, वो आपको वो अलग मिलेगा, लिस्ट मुझे आपने दे दीजिए ना नाम वाले, ठीक है जी, वो मैं अपने निजी से दूंगा और गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक 20 जो है जिसका मकान पूरी डैमेज है और 1 लाख का जिसका। सर जिस तरह से आज आपने ये जो कल से लेकर यहाँ पर ज़मीन धस रही है चाली गांव में और एक झील का सा वातावरण बनता जा रहा है पानी के रुकने के कारण, उस जगह का भी मुआयना किया और जो आपदा के कारण लोग प्रभावित हुए थे उन लोगों को राहत राशि भी बांटी है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये राहत राशि एक तरह से ऊँट के भूमि जीरे वाला काम है, लेकिन फिर भी मैनुअल को जो है हमारा लीव मैनुअल को उसको होने पर सीएम साहब ने इसको रिवाइज़ किया है। पहले जो टूटा हुआ छोटा पार्टली डैमेज मकान थे उनको 50 हज़ार रुपये था, अभी सीएम साहब ने 1 लाख रुपये अनाउंस किए हैं और जो मकान जिनके पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं उनको 1 लाख रुपये 20 हज़ार रुपये की राशि हम लोग दे रहे हैं। और मैंने अपनी तरफ से भी अनाउंस किया कि 10-10 हज़ार रुपये एडिशनल जो है अमाउंट मैं अपनी तरफ से जिनके मकान फुली डैमेज हुए उनको और जिनके पार्शल हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की राशि मैं अपनी तरफ से अनाउंस कर रहा हूँ, उनके चेक्स में भेजूँगा। और उसके अलावा जिनके डंगा जिनके ज़मीन जो है वो डैमेज हुई है तो उनके लिए भी डॉरीज को हमने निर्देश दिए हैं कि उसके क्रेट वाल से जो है उनको रोकने के लिए जो है वो एस्टिमेट बनाए पीएच के साथ। और ये बहुत बड़ा नुकसान पूरे हिमाचल में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी पूरे एरिया का भ्रमण कर रहे हैं, परसों उन्होंने जिला सोलन में भी सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने राहत राशि दी भी और वो खुद भी मौके पे गए हैं। तो हमारी सभी पूरी टीम जो है हमारे मंत्रीगण हमारे विधायकगण हम लोग जो हैं तो सभी जगह जगह जा के देख रहे हैं, पूरा प्रशासन जो है मुस्तैद है क्योंकि आपदा है, आपदा में भगवान के आगे जो है किसी का जोर नहीं है, पर फिर भी जो हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं। और अभी आज सेंटर से जो हमारी टीम है आपदा का आकलन करने के लिए आई हुई है, हमारे जो डीसी साहब श्री मनमोहन शर्मा जी हैं उन्होंने भी आज यहाँ आना था लेकिन वो उस मीटिंग से अभी फ्री नहीं हुए,
इस वजह से मैं और एसडीएम साहब, हमारे नायब तहसीलदार साहब उठाड़, तो हमारी पूरी टीम जो है आज यहाँ लोगों को घर घर जाके जो है लगभग 10 मकानों का आज हमने यहाँ चेक्स आवंटन किए। तो इसके लिए मैं विशेष तौर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना तुरंत फौरी एक्शन लेके जो है लोगों को राहत दी। इससे पहले भी नुकसान हुए, इससे पहले भी आपदा आई, लेकिन इस तरीके से लोगों को चेकबंदी नहीं हुई। तो हमारी सरकार जो है वो ग्राउंड पे काम कर रही है और ग्राउंड पे काम करना जानती है। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय और इसका धन्यवाद देना चाहूँगा। और केंद्र से भी हमें जो रिलीफ मिला है, मैं केंद्र का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अभी हमें कुछ राशि जो है राहत के रूप में दी है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल का हुआ है, उसका आकलन करने टीम आई है। हमें उम्मीद है कि जितना दिया है शायद इससे 2 गुना जो है राहत और हमें हमारी डिमांड जाएगी। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमें पूरी राशि जो है, जो हमारा आकलन आपकी टीम करेगी, वो पूरी राशि आप हमें दें। हिमाचल है, हिमाचल में पूरे रोड्स डंगास पे हैं, आपने देखा कि इस एरिया में तो पूरी ज़मीन जो है वो धस रही है, लोगों के घर धस रहे हैं। और मैंने एसडीएम साहब को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो जियोलॉजिकल विंग को लिखें कि इस पूरे एरिया का सर्वे करवा के जो है इसका पता लगाया जाए कि ज़मीन क्यों धस रही है। अब बारिश नहीं है तब भी जो है ज़मीन धसती जा रही है, तो इस नुकसान के लिए मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। जहाँ पे राशन की कमी है, मैं अपनी तरफ से राशन भी लोगों को जो है मुहैया करवा रहा हूँ। तो ये मुहिम जारी रहेगी और परमात्मा से भी चरण हाथ करबद्ध निवेदन है कि अब थोड़ा सा वो भी दया दृष्टि रखें और नुकसान से हम बच सकें। अभी हमारे रोड्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अभी हमने मेन रोड साफ़ किए हैं, उनको रीट किया है, और उसके रिस्टोर करने के बाद हमारी बिजली जो है वो गिरी हुई थी, कई कई किलोमीटर से हमारी लाइनें जो हैं वो बह गई हैं, उनको रिस्टोर कर दिया। और उसके अलावा IPH की कई स्कीम्स जो हैं हमारी डूब रही हैं, पाइपलाइंस टूट गई हैं, तो उसमें लोगों को तकलीफ तो है, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है, जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सभी को लगाया हुआ है कि आप लग जाओ, एस्टिमेट बाद में बनते रहेंगे। और एक और बड़ी राहत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है कि मनरेगा के तहत जो हमारे ज़मीनों का नुकसान हुआ है उसमें आदेश किए हैं हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को कि वो पंचायतों से उसकी शेल्फ मांग ले और ग्राम सभा में बाद में पास होंगे, ताकि उनको हम पास करके लोगों का तुरंत राहत जो है वो उनकी भूमि बचाव के लिए और जो रास्ते गिर गए उनके बचाव के लिए हम डंगास का काम कर सकें। दो पेड़ से नीचे वो इधर उधर को हिलने लगे, मैंने सोचा ये क्या होने लगा, और जी वो पेड़ एकदम से ऊपर उखड़े, इतना बड़ा लावा उठा, मेरे को इतना चक्कर आया, मैं पीछे से पीछे गिर गई। और फिर मैंने सोचा मना ये भगवान अब मैं क्या करूँ, मैंने ऊपर से जोर जोर से चिल्लाई, मतलब बेटा ऐसा कर बच्चों को ले आ रहा। मैंने गाय खोली अपनी और जी गाय खोली अपनी और जी बस हम निकल गए ऊपर को रो, तभी बेचारे सब गाँव के लोग आ गए। फिर हमने यहाँ से सब कुछ अपने बाल बच्चे को लेकर सब निकल गए, बहुत डर लग गया। ये तो राहुल तो बेचारा इसने थोड़ा थोड़ा सामान समेट के यहाँ से भी मैं क्या करूँ। और इतनी सी पतली सी दरार थी, इतनी सी पतली सी बिल्कुल, हम आए हैं सेटल हो रही है। हां जी बहुत बड़ा है।
बस मैं तो एक तिल तिल के जोड़ के कर रही थी, वे यहाँ पे पता नहीं भगवान की दया से बस बस ऐसे परमात्मा प्रण क्या प्रकोप हुआ। पर परमात्मा ने, मैं तो ये बोलती हूँ सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। मेरे तो मेरी जितने मैंने माता रानी की पूजा की थी ना, वो मेरे कोने तक लाई, यहाँ तक पूरे कोने तक। पर माता रानी ने मेरी बहुत रक्षा की। मैं तो बोलती हूँ सबको भी भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, जरूर जरूर जरूर। मेरा ऐसा मकान बचा भगवान ने ना, यहाँ तक कोने तक लाई, लेकिन मेरे मकान में कोई दरार नहीं आई। पर ये भी मेरे को यहाँ से बहुत डर लगता है, रात रात को नींद नहीं आती बिल्कुल नहीं। रात को बेचैनी हो जाती है, अब जाना तो कहाँ जाना, अपने घर को छोड़ के हम कहाँ जाए, है ना जी। अब छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास, क्या करें। बर्तन के लिए वो राशि ठीक आ रही है।